करवा चौथ की पूर्व संध्या पर आगरा महोत्सव में भारत विकास परिषद संपर्क शाखा ने नारी को सलाम नारी को सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ समाज सेवी मधु बघेल ने संपर्क शाखा की तरफ से शहर में विभिन्न क्षेत्रों में श्रेष्ठ कार्य करने वाली 16 महिलाओं का सम्मान किया। सम्मान पाने के बाद सम्मानित महिलाओं ने संपर्क शाखा द्वारा आगरा महोत्सव में आयोजित इस कार्यक्रम की सराहना की। हमेशा ऐसे ही पूजनीय रही है और शक्तिशाली रही है, लेकिन उसका नाम हर क्षेत्र में सामने नहीं आ पाता। और यहाँ पर जो सम्मान हो रहे हैं वो नारी के, जो उन्होंने इस तरह के कार्य किए हैं जो किसी के सामने नहीं थे। आज यहाँ नारी को सलाम नारी को का सम्मान प्रोग्राम जो है रावी इवेंट्स ने किया है, जिससे कि महिलाएं जो सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर रही है, अच्छे कार्य कर रही है, उनको जो है आगे बढ़ाने के लिए उनका सम्मान किया गया है। इससे एक प्रेरणा और भी महिलाओं को जाएगी और वो भी अच्छे कार्यों में आगे आएंगे, यही हमारी आशा है। आज इस मेले का पांचवा दिन है और आज इस मेले का सबसे शानदार आकर्षण था जिन महिलाओं ने समाज में किसी भी क्षेत्र में कोई भी उपलब्धि हासिल की है, समाज सेवा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, या अपने जहाँ वो नौकरी करती हैं उस क्षेत्र में, उन महिलाओं को आज हमने 15 महिलाओं का सम्मान किया है। इसके साथ ही साथ इतना अच्छा मेला आप खुद देख पा रहे होंगे कि चल रहा है और ये आज की तारीख में फेस्टिव शॉपिंग का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है। आगरा महोत्सव के छठवें दिन करवा चौथ की खरीदारी के लिए महिलाओं का सैलाब मिडनाइट बाजार में उमड़ पड़ा। रावी इवेंट के निदेशक मनीष ने बताया कि आगरा महोत्सव अपने पूरे शबाब पर है। इस महोत्सव में घर गृहस्थी के सामान के साथ साथ दैनिक उपयोग के सामान की एक विस्तृत रेंज उपलब्ध है। आगरा महोत्सव अभी 4 दिन और चलेगा। आज आगरा महोत्सव मिडनाइट बाजार का 5वां दिन है और अपने शबाब पर है और जबरदस्त मंचीय कार्यक्रम यहाँ पर हो रहे हैं। और आज भारत विकास परिषद संपर्क शाखा के माध्यम से शहर की 14 नारी शक्तियों को यहाँ प्रणाम किया गया है। नारी को सलाम नारी के सम्मान कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में अपना अग्रणीय योगदान रखने वाली ऐसी नारियों को यहाँ नमन किया गया है। उसके साथ ही आशीर्वाद वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा यहाँ पर सिंगिंग कॉम्पिटिशन का बेहतरीन आयोजन किया गया है, जिसमें दर्जनों गायकों और गायिकाओं ने भाग लिया है। और साथ ही आज दोपहर में बहुत ही अच्छा कार्यक्रम ड्राइंग कंपटीशन यहाँ पे किया गया था, जो कि पर्यावरण की थीम पर था। आगरा महोत्सव में 300 से अधिक स्टॉल लगी हैं, जिसमें सहारनपुर का फर्नीचर, भदोई के कालीन, मुरादाबाद के पीतल के उत्पाद, कश्मीर के पश्मीना शॉल, दिल्ली की फैशनेबल ज्वेलरी और कॉस्मेटिक, फिरोजाबाद की चूड़ियाँ, केरल की पिकनिक टेबल, कोलकाता की साड़ियाँ, गुजरात का हैंडीक्राफ्ट, मध्य प्रदेश की रजाई गद्दे लोगों में विशेष आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। महोत्सव में बच्चों के मनोरंजन के लिए कई तरह के झूले लगाए गए हैं। सी न्यूज़ के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट।